भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि भारत अपनी 60% से ज्यादा योग्य आबादी को पूरी तौर से वैक्सीनेट कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्री का ये ट्वीट 2021 के खत्म होने के एक हफ्ते पहले आया है। भारत ने दिसंबर 2021 तक अपनी 100% योग्य आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा था। ये ट्वीट इस मायने में महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अपनी योग्य आबादी को 139.6 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए हैं। देश में औसतन हर रोज 60 से 70 लाख वैक्सीन डोज लगाए जा रहे हैं। इनमें 83.1 करोड़ पहली डोज और 56.5 करोड़ दोनों डोज लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 से 44 साल के लोगों को 30.4 करोड़ दोनों डोज लगाई गई है और 45 से 59 साल के लोगों को 14.2 करोड़ दोनों डोज लगाई गई है। हालांकि केंद्र सरकार का लक्ष्य था कि दिसंबर 2021 तक भारत अपनी 100% योग्य आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर लेगा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि भारत की पूरी योग्य आबादी दिसंबर 2021 तक पूरी तरह वैक्सीनेट हो जाएगी। हालांकि भारत अपने लक्ष्य से पिछड़ गया है। इन 12 महीने की अवधि में कई राज्यों में वैक्सीन की कमी देखी गई। वैक्सीन की कमी की पूर्ति के लिए केंद्र ने ज्यादा असरदार बताते हुए वैक्सीन डोज के बीच गैप को बढ़ा दिया था। हालांकि ब्रिटिश जर्नल लानसेंट ने दावों को खारिज किया था और कहा था कि वैक्सीन डोज के बीच कम गैप ज्यादा असरदार होते हैं। जानकार भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कुछ महीने में ही वैक्सीन का असर कम हो रहा है। अब भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट भी धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। 22 दिसंबर 2021 तक देश में 236 ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कई ऐसे भी हैं जो पूरी तौर से वैक्सीनेटेड हैं। भारत ने जनवरी 2020 में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन शुरू की थी। इसके बाद फरवरी महीने में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करने के लिए अभियान में शामिल किया गया था, जबकि मार्च महीने में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी अभियान में शामिल किया गया। बाद में अप्रैल महीने में 45 से 60 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू की गई और मई महीने से केंद्र सरकार ने अभियान को और एक्सपैंड किया और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अभियान में शामिल किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि भारत अपने 100% फुल्ली वैक्सीनेटेड के लक्ष्य तक कब तक पहुंचने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।